हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शाला वन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस सेक्शन का, ठीक, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके 2019 शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ था प्राइमरी का 1 to 5 के लिए, वो वाला आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ले जाते हैं फ्रेंड्स। सारे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं, ठीक है। घूम फिर के सारे क्वेश्चन सीटेट वहीं से बनाता है, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, ठीक, बताना है आपको यहाँ पर वेट लिफ्टर, ठीक। तो आपकी यहाँ पर है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, वेट लिफ्टर। ये आपकी एनसीईआरटी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, सब एनसीईआरटी से ही हैं, सारे वही एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, वही से सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता। चलिए अब अगला देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह है जो क्या है, जड़ों, ठीक, जड़ों का समूह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा चुकंदर, आलू और अदरक, ठीक, ये जड़ों में नहीं आते। फिर आपकी गाजर, हल्दी और अदरक, ठीक। थर्ड है शकरकंदी, मूली, हल्दी। चौथा है आपका गाजर, चुकंदर और मूली। तो आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली के साथ, ठीक। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ठीक, डेजर्ट ओक। मैंने आपको बताया था आप रेगिस्तानी ओक कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देता है आपको, देखिए यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक, क्या, राजस्थान। रेगिस्तान देख के लोग क्या करते हैं, राजस्थान में लगा के चले आते हैं, बट जो खेजड़ी का वृक्ष है वो आपका पाया जाता है राजस्थान में, और जो रेगिस्तानी ओक जिसे हम डेजर्ट ओक, ठीक, डेजर्ट ओक के नाम से भी जानते हैं, वो पाया जाता है आपका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या पाया जाता है, डेजर्ट ओक। और फ्रेंड्स, ये जो है इसकी जड़ें जो है 30 फुट गहरी होती हैं, और तनों में क्या होता है, इसके तने में जो होता है ना पानी होता है, तने में जो होता है पानी एकत्रित होता है, और जब यहाँ पे सूखा पड़ता है तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तनों में पाइप डालकर जो है पानी को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक, जब यहाँ पर क्या होती है पानी की कमी होती है। तो ये पौधा जो है वो कहाँ पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पेड़। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गया आपका सबसे सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक, नेपेंथीस। नेपेंथीस के बारे में कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक शिकारी पौधा होता है, ठीक, शिकारी पौधा होता है, ये शिकार करता है, ठीक, किसका, इंसेक्ट्स का, जीव जंतुओं का, क्या करता है, चूहों का, रैट का, ये क्या करता है, शिकार करता है। कैसे, ये होता है इसका शेप कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये इसका ट्रैप होता है, इस ट्रैप से यहाँ मुंह होता है इसका, यहाँ से क्या करता है, शिकार करता है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक। नाइट्रोजन की कमी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करता है, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये शिकार करता है, ठीक। एक विशेष प्रकार की क्या छोड़ता है, गन छोड़ता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जीव जंतु अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो क्या करता है, बाद में इसका शिकार कर देता है। इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, नीचे दिए कथनों पर विचार करिए और सही कथन इसमें से आपको बताना है। यहाँ पर सही और गलत देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी नहीं पूछ लेता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, ठीक। अगला देखिए, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर, पहला ऑप्शन एकदम राइट है आपके, भारत में जो ये है मेघालय में मैंने बताया था, और बाहर आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, इसका आकार घड़े जैसा होता है और यह मुंह एक पत्ती से ढका होता है, देखिए मैंने भी यहाँ पर इस तरह से आपको शेप बना के दिखाया था, ठीक, ये घड़े की तरह का होता है और ये मुंह जो होता है इसके पत्ती से ढका होता है, ठीक, यहाँ से ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। अगला भी देख लेते हैं, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, देखिए इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, बी सही जाएगा, ठीक। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, ए बी और सी के साथ सही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक,
सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्या? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए बी और सी. ठीक. मोहक आवाज़ नहीं निकालता है फ्रेंड्स. यहाँ पर जो है ना, ये आवाज़ नहीं निकालता है किसी भी प्रकार की. ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. अब अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी मार्च, डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? डांडी मार्च बहुत सुना होगा आपने, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था जब ट्रैवल पढ़ाया था. ठीक, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं. डांडी मार्च, तो डांडी मार्च जो है आपका बिल्कुल गुजरात, गुजरात जो है आपका, गुजरात से ही डांडी यात्रा शुरू करी गई थी. ये मार्च से अप्रैल तक चली थी, एक महीने की डांडी यात्रा थी. इसमें जो था फ्रेंड्स, क्या था, जो अंग्रेज़ थे वो क्या कर रहे थे, नमक खाने से मना कर रहे थे. ठीक, नमक खाने का विरोध कर रहे थे, ख़रीदने पे पाबंदी लगा रहे थे. तब गांधी जी ने क्या करी थी, ये डांडी यात्रा स्टार्ट की थी, डांडी यात्रा. ठीक, उसके बाद जो है फिर नमक जो है इजली वहाँ के लोगों को क्या होने लगा, अवेलेबल. और जो गुजरात का तट है, समुद्र तट, ये जो है ना सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा जो है समुद्र तट की जो है वो किसकी है, गुजरात जो है राज्य की है. ठीक, गुजरात जो है सबसे ज़्यादा अपनी तटीय सीमा साझा करता है. ठीक, यहाँ पर जो है मैंने नमक वगैरह का जो प्रोसेस था वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी. तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुजरात. अगला देखते हैं, तो डांडी यात्रा ही जो है फ्रेंड्स वही जो है नमक से रिलेटेड है, और गुजरात में भी नमक वगैरह ज़्यादा होता है. तो अब यहाँ से भी इस आंसर को लगा सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वर, उच्च बुखार, तेज़ बुखार की साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है. सिंकोना काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, इसकी छाल से इसकी दवा बनाई जाती है. वह है क्या है, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू. क्या जाएगा, मलेरिया के साथ आपका ऑप्शन जाएगा. किसके साथ, मलेरिया के साथ. ठीक, अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं. ठीक, चिराऊ डांस जो है, ठीक, कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध है ये, तो ये है आपका मिजोरम. ठीक, बहुत जितने भी नृत्य हैं, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारे डांस वगैरह याद कर सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य. ठीक, तो तमिलनाडु इसके लिए ये नीचे पड़ेगा आपका. ठीक, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक. ठीक, तो ये जो है ये आपके क्या ऑप्शन जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के साथ. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन है NCERT पे. ठीक, NCERT 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए. ठीक, नहीं पूछा है यहाँ पर, क्या आपसे नहीं पूछा गया है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए. सिर्फ प्राकृतिक वातावरण से काम नहीं चलेगा. ठीक, पर्यावरण क्या, सिर्फ खाली आपने बता दिया ये नहीं होगा फ्रेंड्स. ठीक है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गद्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों को बच्चों को संकलन करना. ठीक, अगला देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन ठीक है बट पूरी तरीके से है कि नहीं, अगला देखते हैं. प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को क्या करना, प्रशिक्षित करना. ठीक, अगला देखते हैं, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना. बात यहाँ पर क्या आ गई, सारे कौशल आ गए इसमें. ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो दोनों हैं, इन दोनों के क्या हो गए, ऑप्शन 4 में ही आपके क्या हो गए, आ गए. ठीक, तो इसका जो मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. क्या करेंगे आप, पर्यावरण समझ जो है बच्चों में कैसे विकसित करेंगे, जो जितनी भी ऐसा ये संख्यात्मक कौशल होते, जितने भी तरह तरह के कौशल हैं, ये सारे इसमें ही आ जाएंगे. ठीक, अगला देखते हैं. अगला है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5. ठीक, 3, 4 और 5 क्लास के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो क्या है, संकलित करता है. ठीक, विज्ञान की अवधारणाओं, मुद्दों से, सिर्फ विज्ञान नहीं है इसमें,
जो हमने बताया था आपको क्लास 1 to 5, ठीक। खाली हम EVS में ही सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं, साइंस, सोशल साइंस और क्या EVS, तीनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक में ही पढ़ाते हैं, जिससे क्या है छोटा बच्चा जो है सारी चीज़ें को क्या नहीं ग्रैप नहीं कर पाएगा, ठीक, वो सारी चीज़ें समझ नहीं पाता। इसलिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, यानी कि एकीकृत शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, ठीक ठीक इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं जिसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ठीक। थर्ड देखते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं, सिर्फ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नहीं है, ना कि खाली विज्ञान है, ठीक। यहाँ पे हमने साइंस, सोशल साइंस और क्या लिया है EVS, तीनों को लिया है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा पर्यावरण जो कि आपकी EVS है, सामाजिक अध्ययन जो कि आपकी SST है, विज्ञान आपकी क्या है साइंस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा क्या 2 ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं जो कि क्षेत्र पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर विशेष विषय क्षेत्र 3, 4 और 5वीं कक्षा के लिए विशेष क्षेत्र पूछे गए हैं, ठीक, वो आपको बताने। अगला देखते हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है या इंगित करता है कि, ठीक। पर्यावरण अध्ययन जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उसको खोजने के लिए मतलब उसको क्या लर्निंग बाय डूइंग से बताएंगे, खोजने के लिए क्या चाहिए आपको समय चाहिए, समय दिया जाता है या किस ओर इशारा करता है। पर्यावरण याद करने के लिए सीखना, याद वाला रटन वाला नो ऑप्शन कट जाएगा, याद करने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा, सूचना इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई जब आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग दे रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखा रहे हैं, करके सिखा रहे हैं, तो फिर ये बात तो आएगी नहीं ना कि सिर्फ सूचनाओं को आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, किसके साथ आपका ये बाल केंद्रित, क्या चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा केंद्र में है यहाँ पर, ठीक। बच्चा आपका केंद्र में है तभी तो बच्चा सीख पा रहा है, ठीक, बच्चा आपका केंद्र में है तभी बच्चा क्या कर पा रहा है आपका सीख पा रहा है। अगला देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, शिक्षक से खाली शिक्षक नहीं, बच्चे को भी सेंटर में रख के आपको क्या करना है पढ़ाना है, ठीक। तो क्या करना है आपको यहाँ पर बच्चे को आपको सेंटर में रख के पढ़ाना है, तो यह पर्यावरण अध्ययन क्या है बाल केंद्रित है, ठीक। आप क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने द्वारा बच्चा खुद खोज करके सीख रहा है, तो बच्चा ही सेंटर में है क्योंकि बच्चा ही अपने आप खोज कर रहा है, सीख रहा है और कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, ठीक। थीम्स बताने हैं आपको, ठीक, सब थीम, ठीक, सब थीम इसमें से कौन से हैं, पर्यावरण, फैमिली एंड फ्रेंड्स आपका थीम मेन है, भोजन, चीज़ें जो हम बनाते हैं, कौन कौन से हैं, 6 थीम है, मैं आपको बताती हूँ, ट्रैवल, फूड, ठीक, भोजन, यात्रा, पानी, जल, वाटर, थिंग, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक, ये भी है, भोजन भी है, परिवार एवं मित्र हैं, ये सारी चीज़ें आपके 6 थीम हैं, पर जो आपका जानवर है ये आपका सब थीम है, ठीक। वर्क एंड प्ले, जो एनिमल्स हैं ये सारे आपके सब, प्लांट्स, पौधे, ठीक है, ये सारे आपके प्लांट्स वगैरह ये सब क्या आपके सब थीम में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या 4th ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा जानवर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए क्या है वांछनीय गतिविधि है, ठीक, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, बिल्कुल सही, ठीक। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए सूचना वगैरह से कोई मतलब नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक। पर्यावरण अध्ययन के 6 खाली 6 आपने थीम थोड़ी ना पढ़ा देने कि आपने सब कुछ 6 थीम्स क्या कर दिए पढ़ा दिए और बस हो गया, नहीं, ठीक। अगला केवल पाठ केवल वगैरह ये सारी चीज़ें अकेला ये सब नहीं, ये चीज़ें ऑप्शन यहाँ कट जाएंगे, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर नहीं आधारित होंगी, ठीक, आपको उसको क्या करना है समाज से जोड़ना है, तो विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को क्या करना संबोधित करना,
सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बहुसांस्कृतिक मतलब मल्टीलिंगुअल, ठीक, बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे कक्षाओं में होंगे। ठीक, अगला देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों की ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है, क्या है बच्चों की क्या है, सक्रिय भागीदारी। ठीक, बच्चों की क्या है, सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है, बच्चे एक्टिव रहेंगे तो बस, समुदाय के सदस्य भी होना ज़रूरी है बच्चों का। ठीक, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी इसमें क्या करेंगी, अहम रोल प्ले करेंगी। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, और पाठ्य पुस्तक की परिभाषा और ये यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए के साथ चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, 2019 के क्वेश्चन हैं, ठीक, 2019 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपकी सीटेट से रिलेटेड नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।